हे गाइस, वेलकम टू खंडाला गेमिंग। और आज हम खेलने वाले हैं कस्टम रूम। हमने कस्टम रूम क्रिएट कराया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस बंदे ज्वाइन हो रखे हैं आज। तो आज ये हमारे खंडाला गेमिंग का पहला कस्टम रूम है। तो आप देख सकते हैं ये सारे प्लेयर्स यहाँ पर ज्वाइन हो रखे हैं। ठीक है, मैं स्पेक्टेटर बना हुआ हूँ और यहाँ पर हमारा गेम स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे प्लेयर्स ने हमारे पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सी बकचोदी करते हुए लोग। नाइस नाइस नाइस, उछलो उछलो, सब नंगे पंगे घूम रहे हैं भैया। यहाँ पर डार्क सोल का यहाँ पर प्लेन आ रखा है हमारे 100 RP में। जो तो यहाँ पर हमारे काफ़ी बंदे लैंडिंग कर चुके हैं। देखिए और ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि बंदे हॉट ड्रॉप के लिए भी कूदे हैं कुछ बीच बीच में, जैसा कि आप देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर फाइट चालू हो गई है इन लोगों की। यहाँ पर अंदर घुस घुस के मारते हुए देखिए। ओह माय गॉड, यहाँ पर इनका बहुत भयंकर फाइट होते हुए। आई एम दर्श एंड KP किलर। ओके, ये हमारे 100 RP वाले बंदे DD डार्क सो। और यहाँ पर कुछ बंदे स्पॉन भी हैं, जैसे हम देख सकते हैं ये बंदा यहाँ पर स्पॉन है। सौरभ बसेरा, बसेरा जी ऐसा मत करो यार। ये देखो अभी इनको होश आ रहा है यहाँ पर। होप से उनको अच्छी लूट मिल जाएगी और गेम में वापस आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे खून लीजेंड उतरे हुए हैं स्कूल की साइड को। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे आयाम दर्श ने 2 किल बटोर लिए हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी बात है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टीम और DD, यहाँ पर 100 RP वाले बंदों की टीम यहाँ पर, और आई एम दर्श और KP कलर की टीम है। तो इनकी अभी फाइट चालू होने वाली है थोड़ी देर में। यहाँ पर हम जॉर्जो बोल वाली टीम देखेंगे एक बार, फ्यूरी हीरो। ओके, तो यहाँ पर परमजीत ने भी यहाँ पर 2 किल बटोरे हैं हमारे, बहुत प्यारा, जो कि जॉर्जो बॉल में खेल रहे हैं। तो ये देख के काफ़ी अच्छा लगता है यार कि बंदे हॉट ड्रॉप करते हैं कस्टम रूम से। और यहाँ पर इन्हीं की टीम में है फ्यूरी हीरो। ओके, तो यहाँ पर इनकी फाइट होने वाली थी। एक टीम यहाँ पर है और हमारी एक टीम इधर पर है। KP किलर को हम देखना चाहेंगे एक बार पास से। तो यहाँ पर ये दो बंदे देख सकते हैं आप, काफ़ी अच्छा पुश कर रहे हैं। और यहाँ पर आई थिंक भी एक बंदा नॉक कर दिया है इन लोगों ने, बहुत सही।
अब इनके ऊपर पुश आएगा, देखिएगा आप। यहाँ पर बंदे काफ़ी अच्छे तरीके से पुश करते हुए, आयम दर्श यहाँ पर लगभग घायल हो चुके हैं। और यहाँ पर आयम दर्श और केपी किलर की टीम यहाँ पर नहीं रही। यहाँ पर हमारे 100 RP वाले बंदे एक दूसरे का रिवाइव करते हुए, बहुत प्यारा। तो जैसा कि देख सकते हैं हम यहाँ पर याशनाया पे भी बंदे उतरे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ये शायद इनकी ये सोलो खेल रहे हैं, इनकी कोई टीम नहीं थी यहाँ पर। तो जैसा हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक टीम और है, फ्यूरी ट्रैक्स, एंड ये कोई चाइनीज़ में इन्होंने नेम लिखा हुआ है अपना, तो मे बी इनकी भी फाइट होगी अभी। तो यहाँ पर जॉर्ज बोल में अभी एक फाइट और होने वाली है। यहाँ पर सिटी पे बंदे गए हुए हैं और एक टीम इनकी यहाँ पर है फ्यूरी हीरो की, जैसे कि आप देख रहे हैं ये दो बंदे यहाँ पर हैं और एक टीम हमारी यहाँ पर है। यहाँ पर हमारे आदित्य भाई साहब पोचिंगी के इधर को खेल रहे हैं, कोचिंग की स्क्वाड हो सा आई थिंक, या फिर आई डोंट नो। ये हमारे 100 RP वाले बंदे हैं, फिलहाल इनकी अभी लूट कंप्लीट नहीं हो रही है तो आप देख सकते हैं, लेकिन इन्होंने एक एक किल ले रखा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है यार। यहाँ पर 16 बंदे बचे हैं दोस्तों, दूसरी टीम है हमार हमारी परमजीत और फ्यूरी होगी, जो कि जॉर्जो पोल में खेल रहे थे, तो इन लोगों के भी टीम किल्स 2 हैं, यानी इन्होंने एक स्कोर एक सॉरी एक डुओ वाइप करा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तीसरी टीम है हमारी फ्यूरी ट्रैक्स, एंड ये चाइनीज़ में इन्होंने कुछ नाम लिखा हुआ है अपना। तो ये लोग शायद अभी आशनाया लूट रहे हैं, और यहाँ पर हमारे आदित्य भाई साहब और उनके दूसरे मित्र हरियाणवी तोरा लेटे पड़े भाई दोनों, कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। आप देख सकते हैं भाई ऐसा गेम में मत खेलो यार, सिंपली लेटे हुए हैं भैया, कोई स्क्वाड नहीं है आगे पीछे, कोई मतलब कोई टीम नहीं है और बंदे लेटे पड़े हैं। यहाँ पर ये बंदा बिल्कुल अकेला है, इसके आसपास का हम वातावरण देखना चाहेंगे एक बार। ये आशनाया में खेल रहा है काफ़ी सेफ। ओके तो यहाँ पर शायद आदित्य वाली टीम सॉरी फ्यूरी ट्रैक्स वाली टीम इनके काफ़ी क्लोज है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये आशनाया में वो बंदा सोलो है और ये इनकी डू है यहाँ पर, तो मे भी ये भिड़ेंगे अभी यहाँ पर। अगली टीम है हमारी सौरभ बसेरायन दाती टी रैक्स की, ये खेल रहे हैं जॉर्ज पोल की सिटी में, तो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर इनकी टीम टकराने वाली है आई थिंक, नहीं वो लोग चले गए हैं, तो ये लोग भी काफ़ी सेफ खेल रहे हैं। यहाँ पर हमारी फायर टीम के बंदे, अच्छा इनके यहाँ पर फाइट चालू है, तो बहुत सही, इनको हम लोग देखना चाहेंगे। यहाँ पर खूनी लेजेंड और फायर विश, और यहाँ पर हमारे 100 RP वाले बंदे अपनी गाड़ी लेके आ चुके हैं, और यहाँ पर खूनी लेजेंड यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्प्रे देते हुए उनको काफ़ी अच्छे से घायल करा है। तो
यहाँ पर एक A98 यूज़ कर रहे हैं, बहुत सही। पट से हेडशॉट मारेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा यार। और इनका दूसरा टीममेट यहाँ पर है, यहाँ पर फायर भी थोड़ा सा घायल हो रखे हैं, इनको आई थिंक हील करना चाहिए। तो यहाँ पर इनकी टीम स्ट्राइक मोड पे आई थिंक, यहाँ पर फायर विश को नॉक किया है इन लोगों ने। बहुत ही प्यारा, बहुत प्यारा स्प्रे दे रखा है रिच के सपोर्ट पे। और यहाँ पर गाड़ी लेके जाते हुए यहाँ पर हमारे 100 RP वाले बहुत ही प्यारा स्प्रे देते हुए। तो खूनी लीजेंड यहाँ पर पतली गली से भागते हुए, यहाँ पर ये एक तरीके से गेम जीतने के लिए लोग ऐसा कर रहे होंगे तो ये काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन आई थिंक इनको फाइट लेनी चाहिए वहाँ पर। इनका बंदा नहीं रहा फायर विश, जिनको कि अभी हमारे 100 RP वाले बंदों ने मारा है। ओके तो यहाँ पर बहुत तगड़ी फाइट होने वाली है। देखिए दोस्तों, सौरभ बसेरा की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है, डिरेक्स एंड सौरभ बसेरा यहाँ पर बंदों को स्पॉट करते हुए। हम आप पर पूरा व्यू लेना पसंद करेंगे इधर का। यहाँ पर भैया बहुत ज़्यादा फसल होने वाली है, आप देख सकते हैं मज़ेदार फाइट होगी इनकी। आदित्य की टीम को देखते हैं हम क्या कर रहे हैं लोग। ओके तो यहाँ पर हरियाणा भी थोड़ा वो लोग शॉट देते हुए। ओके यहाँ पर सारी स्क्वाड यहीं पर है यार, तो काफ़ी तगड़ी फाइट हो रही है आप देख सकते हैं। ये देखिए इन पर बहुत तगड़ा वाला पुश हो रखा है काफ़ी गंदी फसड़ है, एक ही घर में भाई कितने बंदे घुसे हुए देखिए आप। ओके यहाँ पर आदित्य के एक बंदे को मारा गया है। तो यहाँ पर रियाज देने की कोशिश, बट आई थिंक इनको पेला जाएगा आप। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर भी एक बंदा है यहाँ पर डार्क सोल, ये हमारे 100 RP वाले बंदे हैं। तो इनका एक बंदा भी 9 ओवर का, सौरभ बसेरा और डायरेक्शन यहाँ पर काफ़ी अच्छा वो कर रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी 2 स्क्वाड पे यहाँ पर थर्ड पार्टी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी पोजीशन इन लोगों ने ले रखी है। यहाँ पर परमजीत और फ्यूरी हीरो देखिए आप, यहाँ पर टीम नंबर आदित्य की टीम को यहाँ पर मार दिया गया है। आदित्य और हरियाणवी तुरा को मार दिया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे 100 RP वाले बंदे अभी भी खेल रहे हैं, डीडी अभिषेक और डीडी और डार्क सोल, और इन पर काफ़ी तगड़ी नज़र है सौरभ बसेरा और डायरेक्ट की। और यहाँ पर से आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्यूरी और परमजीत यहाँ पर इनको पेल रहे हैं। डार्क सोल को रिवाइव मिलता हुआ यहाँ पर, ये देखिए इनको पता है वहाँ पर ये लोग खड़े हुए हैं। तो परमजीत ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा खेल रखा है, यहाँ पर 3 किल ले रखे हैं बंदे ने। यहाँ पर ये लोग अभी भी आशनाया में खेल रहे हैं, फ्यूरी डायरेक्ट्स और ये कुछ चाइनीज में लिखा हुआ है नॉट नाउ, आई थिंक इनको पिकअप करने आए हैं। ऑल राइट ओके, ये बंदा कहाँ पर खेल रहा है अभी, ये स्कूल से थोड़ा सा दूर और रॉक के थोड़ा सा पास। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आज के ये विनर थे जो हमने पिछला कस्टम रूम ऑर्गेनाइज कराया था, तो ये उसके विनर थे। और ये अभी सोलो खेल रहे हैं और अकेले खेल रहे हैं, भटक रहे हैं, शायद इनको अभी कोई बंदा नहीं मिल रहा है।
काफ़ी तगड़ा। आई थिंक इनको पुश करना चाहिए था, ये लोग पता नहीं इतनी देर से यहाँ क्या कर रहे हैं। और एक्चुअली यहाँ पर 3 टीम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी कंजेशन लग रहा है इन लोगों को। और तीनों टीम्स में आप देख सकते हैं दोनों बंदे अलाइव हैं, तो ये काफ़ी यहाँ पर फ्यूरी हीरो यहाँ पर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं इनके, और पोज ही चेंज कर रखी है इन लोगों ने, सौरभ बसेरा एंड डायरेक्ट में। यहाँ पर हमारे 100 आरपी वाले बंदे थोड़े से खतरे में लग रहे हैं, क्योंकि इन पर दोनों की नज़रें हैं, और स्पेशली इन पर इनके पास बहुत अच्छा कवर है। देखिए आप, सौरभ बसेरा और डायरेक्ट के पास यहाँ पर अच्छा कवर है, और यहाँ पर इनको नेट पे नेट पेल रहे हैं। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा कवर मिल जाता है इन लोगों को, और अगर इनके पास अच्छा स्कोप वगैरह रहा तो यहाँ से इनको इजीली डाउन करके अंदर पुश कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे हमारे खूनी लेजेंड, इनके पास भी एक अलग टीम का अजूका रेंजर के पास आ गए हैं। अब आई थिंक यहाँ पर इनकी फाइट होने वाली है। ओके, तो यहाँ पर निकलते हुए ये हमारे अजूका रेंजर यहाँ पर आई थिंक पैदल घूम रहे हैं, और इनकी फाइट होने वाली है शायद। अब यहाँ इनको देखेंगे 1 मिनट। ओके, तो आई थिंक ये सेफ खेल रहे हैं, तो इन्होंने कोई पोजी नहीं दी हुई अभी। हम इनकी भसड़ देखते हैं फिलहाल, बहुत मज़ा आएगा। परम जीत को हम यहाँ पर एक्सपेक्टेड करने की कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ पर फ्यूरी हीरो को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। यहाँ पर सौरभ बसेरा पर अटैक हुआ है, बहुत गंदा वाला। तो देखते हैं उनके दोस्त उनको बचाने की कितनी कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे 100 आरपी वाले अभी भी जिंदा हैं, और परमजीत का एक बंदा इन्होंने ख़त्म कर दिया पूरा। और टीम नंबर 13 में भी आई थिंक यहाँ सौरभ बसेरा को ख़त्म कर दिया गया। यहाँ पर पॉइजन वर्मा और पॉइजन आयुष खेल रहे हैं हमारे। टीम नंबर 48 पर अटैक हुआ है यहाँ पर। ओके, इनकी अच्छी फाइट हो रही होगी भैया। यहाँ पर डायरेक्ट साहब अकेले इन पर पुश करना इनको थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, तो शायद वो थोड़ा बच के खेल रहे होंगे। ओके, यहाँ पर एक पूरी टीम ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पर डायरेक्ट्स अपना स्प्रे दिखाते हुए इनका एक बार गेम प्ले हम देखना चाहेंगे। ओके, तो इनका एक बंदा अभी दूसरी जगह पर खेल रहा है। ओके, तो डायरेक्ट्स को पता चल गया है कि ये लोग यहाँ हैं, और इनको भी आई थिंक पता लग गया है कोई नेट कर रहा है इनके ऊपर। ओके, डायरेक्ट्स के ऊपर बहुत तगड़ा सा नेट किया है इन लोगों ने। इनका दूसरा बंदा आई थिंक यहाँ पर डायरेक्ट्स, ओके वो मर चुका है सौरभ बसेरा। और इनको जोन बहुत पूरी तरीके से काटने वाला, देखिए अब। तो यहाँ पर बहुत प्यारे तरीके से यहाँ पर डार्क सोल को यहाँ पर नॉक करते हुए, लेकिन बहुत ही प्यारा है यहाँ पर डीडी अभिषेक ने इनको कवर दिया और उनको ख़त्म कर दिया डायरेक्ट्स को। तो इस तरीके से यहाँ पर टीम नंबर 1 सरवाइव कर रही है, और इनके बहुत अच्छे किल हैं दोस्तों, टीम किल 7 हैं इनके।
ओके, तो यहाँ पर एक और डी रेक्स खेल रहे हैं हमारे साथ, जैसे कि आप देख सकते हैं इनको। और इनका दूसरा बंदा आई थिंक इन्हीं के साथ है। हाँ, खूनी लीजेंड मैंने भी काफ़ी अच्छा खेल लिया यहाँ पर, इन्होंने दो किल्स कर रखे हैं अपने, तो इनको आई थिंक पता लग गया है कि यहाँ पर बंदे हैं और या फिर ये स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने ड्रॉप लूट रखा है तो काफ़ी अच्छी बात है, बंदे मतलब ड्रॉप हंट कर रहे हैं कस्टम रूम्स में। तो यहाँ पर बचती है दोस्तों हमारे पास कुल मिला के चार टीम। फर्स्ट टीम है हमारे यहाँ पर डीडी अभिषेक एंड डीडी डार्क सोल, जो कि हमारे 100 RP वाले बंदे हैं। और इन्होंने काफ़ी हद तक अच्छा खेल लिया दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी टीम किल 7 है पूरे, तो काफ़ी हद तक इन लोगों ने अच्छा खेला है। दूसरी टीम है हमारे पास फ्यूरी डीरेक्स एंड इनके चाइनीज़ प्लेयर, आई डोंट नो उनका नाम क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप रेडी अभिषेक की टीम यहाँ पर इन लोगों के काफ़ी करीब है, और ऑलमोस्ट सब लोग एक दूसरे के बहुत करीब हैं यहाँ पर। आप अच्छा खासा पुश करेंगे, देखिए तो गाड़ी घुमा रहे हैं ये कंफर्म करने के लिए बंदे हैं, अब उनको पता लग गया है, अभी लोग गाड़ी से उतरे हैं देखिए। तो इस तरीके से लोग पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर नेट लेके खड़े हुए हैं ये बंदा, आया यहाँ से और इनकी यहाँ पर बहुत तगड़ी फाइट हो रही थी दोस्तों। यहाँ पर फ्यूरी डायरेक्ट को भारी पड़ते हुए फ्यूरी डायरेक्ट को नॉक कर दिया है इन लोगों ने, और इनका दूसरा बंदा अभी काफ़ी दूर है इनसे। यहाँ पर फ्यूरी डायरेक्ट शहीद होते हुए, और यहाँ पर इनके चाइनीज़ प्लेयर आप देख सकते हैं कि वो नेट कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना होगा ब्रो, अपने टीम मेट को आप छोड़ा है। और यहाँ पर खूनी लीजेंड क्या कर रहे हैं, इनको देखते हैं, इनको भी पता ही नहीं है बंदे कहाँ पर है। पॉइजन वर्मा और पॉइजन आयुष अभी तक बहुत सेफ खेल रहे हैं दोस्तों, बहुत ही प्यारा, जो कि गेम जीतने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यार थोड़ा सा तो पुश करके खेलना ही चाहिए। आई डोंट थिंक ऐसे क्या मज़ा आ रहा होगा उनको खेलने में। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं अब इनका अच्छा वाला पुश हुआ है, यहाँ पर इनका चाइनीज प्लेयर भाग रहा है। तो यहाँ पर अभिषेक इजी आगे को पुश कर रहे हैं, और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अभी इनको जोन में भी निकलना है और फाइट भी लेनी है, तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम अगर ये वेस्ट नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यार एक बंदा जब अकेला बचा होता है ना, तो अपने को कैसे मुसीबतों से सामना करता है, आप देख सकते हैं इसको, वो काफ़ी हार्ड सिचुएशन से गुजरेगा अभी। ओके, तो और पुश करने की पूरी कोशिश जारी है इन लोगों की। कार एल से खेल रहे हैं, यहाँ पर दो बंदे होने के बावजूद भी ये लोग पुश नहीं कर रहे हैं उस पर, जो कि और यहाँ पर नेट फटा और इनकी थोड़ी सी हेल्थ डाउन हो गई। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर इनको जोन काट रहा है, बहुत ही प्यारी तरीके से इनको डाउन किया है यहाँ पर। और यहाँ पर इनकी देखिए अब हेल्थ कितनी तेज जाएगी, आई डोंट थिंक ये बच पाएंगे अब, लेकिन बहुत प्यारी तरीके से इन्होंने अपने आप को हील अप कराया और अब ये दौड़ लगाएंगे। तो चलिए ये भी सेफ हो गए यहाँ पर, अब देखना यह है कि कौन सी टीम टकराएगी। यहाँ पर फायर लीजेंड, ओ माय गॉड, यहाँ पर फायर लीजेंड ने फायर कराया और यहाँ पर डीडी डार्क सोल को बहुत ही बुरी तरीके से घायल कर दिया गया।
ओके, तो डार्क सोल पूरी तरीके से फिनिश्ड हो गए हैं और यहाँ पर अभिषेक अपने को हील भर रहे हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं पॉइजन वर्मा और पॉइजन आयुष को, वो लोग अभी भी बहुत ज़्यादा सेफ खेलते हुए। यहाँ पर खूनी लीजेंड अपनी पोजीशन चेंज करते हुए, ये शायद अपर कवर लेंगे ताकि ये उनको नॉक कर सके ऊपर से। बहुत ही प्यारा खेल रखा है दोस्तों इन लोगों ने, डीडी अभिषेक एंड डीडी डार्क सोल ने। इनके टीम किल्स 9 है और जैसे कि आपने इनका गेम देखा था तो काफ़ी अच्छे तरीके से ये पुश किए थे उन टीम पर। अब यहाँ पर सारी टीम्स दोस्तों आमने सामने आ चुकी हैं। यहाँ पर ये काफ़ी छुप छुप कर खेल रहे हैं पॉइजन वर्मा और पॉइजन आयुष, इन्होंने अभी तक स्पॉट नहीं कर पाए हैं बंदे। यहाँ पर अभी बारी आएगी इन दो जनों की, डीडी अभिषेक और खूनी लीजेंड। आई थिंक ये टकराएंगे आपस में या फिर बची हुई आखिरी टीम। तो यहाँ पर हमारी टॉप 3 टीम्स हैं देखिए दोस्तों, डीडी अभिषेक एंड डीडी डार्क सोल, खूनी लीजेंड एंड फायर विश, पॉइजन वर्मा एंड पॉइजन आयुष जो कि अभी तक सरवाइव कर रहे हैं। यहाँ पर खूनी लीजेंड ने आई थिंक स्पॉट कर लिया है और यहाँ पर इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त शॉट दिया है देखिए दोस्तों, पूरा ख़त्म कर दिया है टीम नंबर 1 को। और इनको भी काफ़ी अच्छा उन्होंने शॉट दिया था लेकिन आई थिंक उनका लेवल 3 हेलमेट डैमेज नहीं कर पाया, तो ये काफ़ी हद तक अच्छा खेल रहे हैं। ये भी ओम का पट से हेडशॉट इन्होंने दिखाया है। और अब ये लास्ट टीम बची है पॉइजन वर्मा एंड पॉइजन आयुष की, यहाँ पर ये ज़बरदस्ती हीलिंग भर रहे हैं देखिए। लेकिन अच्छी बात है लास्ट जोन पे हमें फुल बूस्ट लगाना चाहिए, ये चीज़ बहुत अच्छा है। और यहाँ पर खूनी लीजेंड को आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लोग ये स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बंदे आखिर हैं कहाँ, मतलब प्लेयर्स में डिफरेंस होता है देखिए दोस्तों। वो अभी भी 2 हैं और उनको पता है सामने वाला बंदा 1 ही है, लेकिन वो अभी तक स्पॉट करने की कोशिश शायद से नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो लेटे हैं और मे बी वो फाइंड आउट कर लें कि बंदा कहाँ पर है। लेकिन खूनी लीजेंड मुझे लगता है कि वो स्पॉट कर लेंगे क्योंकि वो चारों ओर आप देख सकते हैं उनकी नज़रें हैं। इनके भी टीम के किल टोटल 4 हैं, इन लोगों ने भी काफ़ी अच्छा खेला है खूनी लीजेंड एंड फायर विश ने। यहाँ पर वर्मा जी और आयुष स्नेक बने हुए हैं और इन्होंने गाड़ी को कवर बनाया, आई थिंक ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर एक नेट करते हुए तो खूनी लीजेंड के पास आई थिंक नहीं गया है, तो आई थिंक उन्होंने स्पॉट कर लिया बंदों को। यहां पर मैं भी एक गलती कर रहे हैं, और यहाँ पर बहुत ही प्यारा शॉट दिया देखिए आप दोस्तों, खूनी लीजेंड ने बहुत ही प्यारा हेड शॉट मारा यहाँ पर। और यहाँ पर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं देखिए, इन पर नेड पे आया और बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनको लगाया। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर खूनी लीजेंड, ओ माई गॉड, यहाँ पर खूनी लीजेंड को मार दिया गया है। और यहाँ पर हमारी फर्स्ट आने वाली टीम है पॉइजन वर्मा एंड पॉइजन आयुष, जो हमारी सेकेंड टीम है वो है खूनी लीजेंड एंड फायर विश, जो हमारी थर्ड टीम है वह है डीडी अभिषेक एंड डार्क सोल। मैं सारी टीम्स को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि उन्होंने पार्टिसिपेट कराया यार, बहुत अच्छा खेले आप लोग, बहुत अच्छा खेले। और फ्रेंड्स, और अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक नंबर दिया है, वहाँ पर जाके आप व्हाट्सएप में मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं कि मुझे भी
कस्टम रूम्स में ज्वाइन होना है तो हम आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप हमारे साथ खेल सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।